नमस्कार दोस्तों, हमारे सरकारी जॉब्स की ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे थे टाइम डिस्टेंस और स्पीड की, तो इसमें हमने जो है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल भी देखे थे। तो रेलगाड़ी में हमने एक लास्ट जो सवाल बताया था वो था सापेक्ष चाल का। ठीक है, सापेक्ष चाल, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड था। तो आइए अभी देखते हैं कि आज हम जो है सापेक्ष चाल में ही एक दूसरा सवाल हमने लिया है। आज का पहला सवाल वो है स्पीड, इन्होंने दिया हुआ है ट्रेन की। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, 58 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, और लेंथ ऑफ ट्रेन 165 मीटर। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बताया कि एक आदमी जो है सामने से आ रहा है, आदमी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, इनका कहना है दोस्तों ट्रेन, जैसे ये ट्रेन हो गई, इधर जा रही है और आदमी इधर आ रहा है। ठीक है, ये 8 KMPH हो गई और ये 58। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हमारा सवाल यहीं से शुरू होता है। इसको हम कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। दोस्तों ट्रेन की तो कुछ लंबाई होती है, जैसा कि इन्होंने दिया है 165 मीटर, लेकिन जो हमारा आदमी होगा वो तो कोई एक पॉइंट इसको माना जाएगा। इसलिए जब इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है कि ट्रेन जो है एक खंभे को क्रॉस करे, उस तरह से जैसा कि सवाल हमने लिया था सेम उसी तरह से यह हल होगा। लेकिन इसमें स्पीड जो है सापेक्ष, अगर आप देखते हैं तो आप इमेजिन करिए कि जैसे आप जा रहे हो कहीं और सामने से कोई आ रहा हो, तो दोनों आपस में टकराएं तो दोनों की जो स्पीड है वो आपकी स्पीड प्लस सामने वाले की स्पीड का योग हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव क्या होगी, 58 + 8 = 816 KMPH। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है, तो हम इस स्पीड को इक्वल टू जो 66 है इसको हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 3600 से भाग दे दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए, ये 0 0 कटेगा, आपका 5/18 हो जाता है जैसा कि आप जानते हैं, और 3 6 18 22 3 66, तो 22 ये हो जाएगा, 22 × 5/6, ये 3 2 से कटेगा 11, ये हो जाएगा 55/3, ये हो गई आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसके बाद हम आपको निकालना है क्या, टाइम। टाइम के लिए क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्या है, 165/55/3, ये 165 × 3/55 हो जाएगा 11 से अगर इसको आप काटेंगे, 11 5 55, 11 × 9 11, 11 5 15, 5 3 15, ये हो जाएगा 9 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का वीडियो इसी टॉपिक पे और लेके आएंगे, तो देखते रहिए। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको बताइए, ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू दोस्तों।